कुमार आल इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर चैनल में आप सबको स्वागत करता हूं दोस्तों। दोस्तों हमारे पास एक होम थिएटर टावर आया है दोस्तों, इसमें डेड प्रॉब्लम है। आप देख पा रहे होंगे हमने यहां पे पावर लगा दिए और लगाने के बाद इसमें कुछ भी लाइट इंडिकेट नहीं कर रहा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर लाइट जलना था, यहाँ पर भी कुछ लाइट नहीं जल रहा है। ठीक है दोस्तों, और देख पा रहे हैं यहाँ पर भी कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा, जो कि यहाँ पर इसका ऑन है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे ये ऑन है। ठीक है दोस्तों, बस वाइब्रेट करता है जब हम ऑन करते हैं तो वाइब्रेट करता है, उसके बाद इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है दोस्तों। तो आइए इसको हम खोलते हैं और खोलकर आपको सारा चीज़ दिखाते हैं। तब तक इस मोबाइल को हम स्टैंड में सेट कर ले रहे हैं दोस्तों, बस आप इस वीडियो पे बने रहें। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर सेट कर दिए हैं, और करने के बाद आइए इसको खोल लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो फ्रंट पे ये है, फ्रंट बॉडी हो गया दोस्तों, इसको हम खोलेंगे। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। क्योंकि ये असेंबल होम थिएटर है दोस्तों, ओरिजिनल नहीं है, इसको जैसे तैसे वायरिंग किया गया रहता है, जिसके वजह से इसमें बहुत जल्द प्रॉब्लम आता है दोस्तों। कंपनी का होता तो वो ठोस होता है, उसमें जल्दी प्रॉब्लम नहीं आता है। अब देख पा रहे होंगे दोस्तों हमने इसको खोल दिए हैं, आइए इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसको भी बाहर निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा हाथ अभी जल गया, इसमें इतना हीट हो गया है, लगता है कि अंदर में कोई शॉर्टिंग है जिसके वजह से यहाँ पे लाइट इंडिकेट नहीं कर रहा है दोस्तों। बहुत ज़ोर से मेरा हाथ पक गया है, आइए इसको खोल लेते हैं दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों इस प्रकार से इसको खोलना है। सबसे पहले हम यहीं पे चेक करेंगे कि जो हमारा 5 वोल्ट ब्लूटूथ मॉड्यूल के लिए होना चाहिए था वो है कि नहीं है। अगर यहाँ पे वोल्ट नहीं बन रहा है दोस्तों, तो उसके बाद हम उस तरफ जाकर देखेंगे, बैक ओवर का खोल कर देखेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो पहले यहीं पे चेक कर लेते हैं। और दोस्तों किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को आप बिल्कुल बेहतर तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, पर रिपेयर करने के लिए आपको स्टेप बाई स्टेप गुजरना पड़ेगा। अगर आप स्टेप बाई स्टेप अगर करते हैं, चेक करते हैं, काम करते हैं, तो आपका 100% बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां पर बिल्कुल सभी ठीक लग रहा है। आइए हम ब्लूटूथ मॉड्यूल को बाहर निकाल कर चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या है। सो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने ये ब्लूटूथ जो पावर देते हैं उसको हमने निकाल लिए हैं, बाहर निकाल लिए हैं दोस्तों। और इसको निकाल कर इसके बाद हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर जो 5 वोल्ट बनना था वो बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है दोस्तों, अगर ये बन रहा है तो कहीं ना कहीं ये ब्लूटूथ को बिल्कुल चलना था, अगर ये नहीं बनेगा तो नहीं चलेगा दोस्तों। ठीक है, अगर ये बन रहा है और नहीं चल रहा है तो सीधी सी बात है कि हमारा जो ब्लूटूथ है वो बिल्कुल शॉर्ट है। तो आइए उसको हम चेक कर लेते हैं दोस्तों, आप इस मीटर पर फोकस करें। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे हमने 20 डीसी पे सेट कर रखे हैं। और देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल 5 वोल्ट बन रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल 5 वोल्ट बन रहा है। तो आइए अब यहाँ पे हम दूसरा ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाकर चेक कर लेते हैं, क्या दूसरा ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाने से ये चलता है कि नहीं चलता है। सो ठीक है दोस्तों, तो बस इस वीडियो पर बने रहे, हम आपको सारा चीज़ दिखाते रहेंगे दोस्तों। और दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे आपको बिल्कुल
राइट वीडियो मिलेगा, फेक वीडियो कभी भी नहीं मिलेगा। अगर इस काम को सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। फ्री कोर्स दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम कभी आपको सिखाने के बाद बोलेंगे कि दोस्तों हमारे अकाउंट में पैसा सेंड कीजिए, ऐसा हम कभी नहीं बोलेंगे। ये फ्री चैनल है, आप सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं दोस्तों। हमारा मोटिव क्या है दोस्तों कि मान लीजिए कि आज नहीं कल इंसान को तो जाना ही है कि नहीं, तो जाने से पहले कुछ ऐसा काम कर लिया जाए कि लोग याद करें दोस्तों। हमारा मोटिव यही, हमारा सोच यही है दोस्तों। अब आपका सोच क्या है, आप भी अगर किसी काम को जानते होंगे दोस्तों तो उसको भी आप बिल्कुल कीजिए और उसका वीडियो बनाकर आप लोगों के बीच में रखिए कि लोग भी सीख पाए, वो भी अपने जीवन में कुछ कर पाए दोस्तों, वो भी अपने जीवन में कुछ कर पाए, ऐसा करें दोस्तों। बस ये सब आप सब के लिए ही कर रहे हैं दोस्तों कि आप सब सीख पाए, कुछ कर पाए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें दोस्तों, शेयर करें। इस काम को सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको कुछ, ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ इसमें कोई कमी दिखाई दे तो आप कृपया कमेंट करें कि उस चीज़ को हम सुधार कर सकें। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे हमने दूसरा ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाया और लगाने के बाद ये बिल्कुल ग्लो करने लगा है दोस्तों। तो ये फाइनली हमारा ये जो ब्लूटूथ है दोस्तों वो एक्सपायर हो गया है, ख़त्म हो गया, जिसके वजह से ये डेड पड़ा हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम इसका ऑडियो भी चेक कर लेते हैं, गाना उना बजा कर भी चेक कर लेते हैं इसमें क्या है कैसा है। सो तो आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पे ऑडियो दे दिए हैं, और आइए फिर से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं पावर को और फिर से लगाकर देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, नहीं सुन पाए होंगे क्योंकि बहुत कम साउंड है दोस्तों। आइए इसका हम आवाज़ बढ़ाकर हम आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं कि इसका आवाज़। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा दोस्तों, ये ट्यूटर नहीं बज रहा है, ठीक है, ये ट्यूटर नहीं बज रहा है। तो इसका क्या कारण है हम आपको फिर उस साइड जाकर हम दिखाते हैं दोस्तों, तब तक हम इसको सेट कर लेते हैं, बस तब तक हम इस वीडियो को रोक देते हैं दोस्तों। जी दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर बिल्कुल सभी सेट कर दिए हैं। आइए इसको अब कस लेते हैं, इसको कस के आपको हम दिखाते हैं दोस्तों। देख पा रहे होंगे दोस्तों हमने यहाँ पे बिल्कुल सेट कर दिए हैं, ठीक है। आइए अब इसको भी सेट कर लेते हैं, इसको भी कस देते हैं और उसके बाद फिर हम चेक कर लेते हैं। उससे पहले आप क्या करें दोस्तों कि इस स्पीकर को चेक कर लें, ठीक है, स्पीकर को आप चेक कर लें कि स्पीकर सही है या ख़राब है। सो तो आइए हम आपको दिखाते हैं स्पीकर को कैसे चेक किया जाए। ये दोस्तों इसको हम स्पीकर को कैसे चेक किया जाए आपको बताते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इसको रिमूव कर लिए हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और हमारे पास एक ऐसा कर सकते हैं आप, अगर आपके पास कोई बैटरी हो तो बैटरी से भी आप चेक कर सकते हैं। और दूसरा चीज़, अगर बैटरी ना हो तो हमारे पास दोस्तों एक डीसी मशीन है, डीसी मशीन से हम आपको चेक करना सिखाएंगे कि इसको किस प्रकार से चेक किया जाए, ठीक है दोस्तों। और डीसी मशीन से भी आप, मल्टीमीटर से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए मल्टीमीटर से ऐसा होता है कि दोस्तों अगर शॉर्ट रहेगा फिर भी आपको कंटिन्यूटी दिखाएगा, ठीक है ना। अगर स्पीकर शॉर्ट रहेगा फिर भी आपको कंटिन्यूटी दिखाई देगा। आइए यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, आप देख पाएंगे यहाँ पे कोई नंबर शो नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई भी नंबर यहाँ पर शो नहीं कर रहा। आइए इसको डीसी मशीन से भी आप चेक करा देते हैं आपको, दोनों वायर को हम निकाल देते हैं यहाँ से, ठीक है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे हमने निकाल दिए हैं। आइए अब डीसी मशीन में पावर देते हैं दोस्तों, आप यहां पर फोकस करेंगे डीसी मशीन पे।
आइए हम आपको दिखा देते हैं नीचे रखकर, देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर 3.2 वोल्ट बन रहा है। आइए इसी से हम चेक करा देते हैं आपको। यहाँ पे दोनों पे आप टच करेंगे ना, अगर ये सही होगा तो करकर का साउंड देगा दोस्तों। अब देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर कोई भी साउंड नहीं है, ठीक है, यानी कि ये दोनों स्पीकर ख़राब है दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम इसको रिपेयर करना सिखाते हैं। यहाँ पर जो वायर होंगे दोस्तों, जो कॉइल को जाता है, उस वायर को आप स्क्रैच करें दोस्तों, स्क्रैच करें और उसको वहाँ पे भी डायरेक्टली लगाकर चेक कर ले दोस्तों। यहाँ पे इसे स्क्रैच करें, आयरन से पिघलाकर इसको, यहाँ पर जो गम लगा हुआ है, ग्लू लगा हुआ है दोस्तों, उसको हटा दें और हटाने के बाद यहाँ पे इसको स्क्रैच मार दें, स्क्रैच मार कर चेक कर लें कि क्या ये गलत है या सही है सो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इसे टच कर दें, अब देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे कोई भी साउंड नहीं दे रहा है, यानी कि ये भी बिल्कुल ख़राब है, ठीक है दोस्तों। इसमें भी कोई साउंड नहीं दे रहा, ये भी बिल्कुल ख़राब है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हमारे पास दो स्पीकर है 4 इंच का, ठीक है, आइए इसको हम चेक कर दिखाते हैं आपको इसमें क्या ये साउंड देता है कि नहीं देता है, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये ख़राब है या सही है सर। ये 110% ख़राब है दोस्तों, ये नया वाला है, हमने मार्केट से लाए हैं दोस्तों। देख पा रहे होंगे दोस्तों ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम सभी को साइड कर देते हैं और ये जो नया वाला स्पीकर है उसको इसमें इंस्टॉल कर दे रहे हैं दोस्तों। इसको साइड कर देते हैं, आइए इसको कनेक्शन कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ आइए इसको अब चेक कर लेते हैं फिर से। शॉर्टिंग बता रहा है दोस्तों इसमें, आइए इसको अब यहाँ पर सेट कर देते हैं। सेट करके इस तरफ खोल लेते हैं, इसमें कोई भी स्क्रू पहले से भी नहीं लगा हुआ था दोस्तों। आइए इसको हम पैक कर देते हैं पहले यहाँ पे। अब देख पा रहे होंगे दोस्तों हमने यहाँ पे सेट कर दिए हैं, आइए अभी स्पार्क खोल लेते हैं। स्पार्क में जो लगा हुआ है दोस्तों उसको खोलेंगे और खोल कर देखेंगे इसमें क्या है। आइए दोस्तों इसको निकाल लेते हैं और देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर सभी वायर तो कनेक्ट है पर साउंड बस हमिंग दे रहा है दोस्तों, और जो सीरीज बॉल है दोस्तों पूरा ग्लो कर रहा है, फुल्ली ग्लो कर रहा है दोस्तों। क्यों ग्लो कर रहा है ये सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से जो स्पीकर का वायर लगा हुआ है दोस्तों ये वाला, इसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए हम आपको नज़दीकी से दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों ये जो स्पीकर का वायर हो गया दोस्तों, सबसे पहले हम इसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर ये आईसी शॉर्ट होगा तो इसके वजह से हमारा स्पीकर ये भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले इसको हम रिमूव कर लेते हैं, रिमूव कर इसके बाद हम चेक करते हैं दूसरे स्पीकर से, और शॉर्टिंग वोटिंग भी चेक कर ले दोस्तों क्या है कैसा है सो। अब देख पा रहे होंगे दोस्तों ये बिल्कुल बजने लगा है, ठीक है, बस यहाँ पे वायरिंग का ही मिस्टेक हुआ था जिसके वजह से नहीं बज रहा था, ठीक है दोस्तों। अब देख पा रहे होंगे बिल्कुल शानदार चल रहा है।
ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। इस काम को सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और पर एक बात और दोस्तों, अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई चीज़ का गलती लगे आपको तो कृपया कमेंट करें ताकि हम उसको सुधार पाएँ दोस्तों। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।